मेरी जो तलीम है वो है बीएस ऑनर्स मिशन टेक्नोलॉजी। मैं पैदाशी कादियानी थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दी और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। हमारे खानदान में जो कादियानियत है वो मेरे दादा जो है उनकी वजह से आई। मेरे दादा वो लोग दो भाई थे, फतेह मोहम्मद और हुसैन मोहम्मद। वो हिंदुस्तान के जिला अमृतसर के रहने वाले थे, वहां से वो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने फैसलाबाद का जो इलाका है छोटा लठिया वाला यहाँ पे रहायश इख्तियार कर ली और यहाँ पे इन्होंने कादियानियत कबूल की और उसके बाद कादियानियत की जो तबलीग थी उसको करना शुरू कर दिया। तो मेरे वालिद की जो शादी है वो 61 चक बेदियां वाला में हुई और जो मेरी वालदा थी वो भी पैदाशी कादियानी थी और वो भी अपने उस गाँव में यानी कि 61 चक में वो भी कादियानियत की जो तबलीग थी वो किया करती थी। शादी के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया कि कादियानियत की तबलीग करना शुरू कर दी और वैसे ऐसी परवरिश जो है उन्होंने मेरी बहनों की की। तो जैसी परवरिश उन्होंने मेरी बहनों की कि कादियानियत की तबलीग को आम करना और कादियानियत के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करना, वैसे ही उन्होंने तरबियत जो थी वो मेरी भी की। तो मेरे वालिद साहब जो है उनके पास जो कादियानियों की जमात का जो एक चंदा लेने का ओहदा होता है, चंदा तहरीके जदीद, उसका जो चंदा था वो लेते होते थे, उसके सेक्रेटरी थे, यानी तहरीके जदीद का चंदा इकट्ठा करने के सेक्रेटरी थे। और मेरे जो ताया अबू थे वो जो वक्फ जदीद जो थे चंदा उसको इकट्ठा करते थे, यानी कि सेक्रेटरी वक्फ जदीद थे। और मेरे ताया अबू का बेटा जो वो है सेक्रेटरी जियाफत, यानी कि उसका काम ये है कि मुख्तलिफ इलाका जहाँ से जितने भी मरबियान आते हैं, मेहमान आते हैं, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना, उनके खाने का बंदोबस्त करना, ये सारा काम जो था ये हमारे घराने में हुआ करता था। और इसके अलावा जो मेरी बहन थी वो भी सेक्रेटरी माल थी। एक मेरी बहन सेक्रेटरी नासरात भी रही, एक मेरी बहन सेक्रेटरी तलीम भी रही और एक वक्त में मेरे पास भी सेक्रेटरी तलीम तरबियत का ओहदा था। उसके बाद पढ़ाई की वजह से वो मैंने ओहदा छोड़ दिया और मैंने इनके स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने इनके स्कूल में तकरीबन 2 साल जो है मुलाजमत की। फैसलाबाद में मैं इनकी बेहतरीन डिबेटर थी, फैसलाबाद की तरफ से सिलेक्टिवली यानी कि पूरे फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक दफा चनाब नगर गई तकरीरी मुकाबले में। वहां वो जो मुकाबला था उसमें मेरी दूसरी पोजीशन आई। और उस मुकाबले के बाद इनके यहाँ ऐसा होता है कि मुकाबले के बाद जो है सवाल जवाब का प्रोग्राम रखा जाता है। उस सवाल जवाब के प्रोग्राम में मैंने इनका जो खलीफा है, मौजूदा खलीफा मिर्जा मसरूर, उसकी बहन जो थी उससे मैंने सवाल किया कि मिर्जा कादियानी जो है उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि कुरान करीम में कादियान का नाम इस्तेमाल हुआ है, यानी कुरान करीम में कादियान का लफ्ज आया है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे दिखाया जाए कि कुरान करीम में कहाँ कादियान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो ये मेरा जो सवाल था वो पर्ची पे लिख के मैंने उसको भेजा। तो जब उस सवाल की बारी आई तो उसने जब सवाल खोला तो उसके पास सवाल का जवाब ना था और वो पूछने लगे कि किसने ये सवाल जो है किया है। उसके बाद एक और लड़की ने सवाल किया तो मिर्जा मसरूर की बहन के पास उसका भी जवाब कोई ना था। तो इनकी हटदर्मी देख लें कि बजाय ये मानने के कि उस लड़की को या मुझे ये कह देती कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, मैं बाद में आपको कंसल्ट करके पढ़ के रीड करके मैं आपको इसका जवाब दे दूंगी, कहने लगी, आगे से लड़ना शुरू हो गई। एक उनकी कादियानियों की इतनी बहुत बड़ी मुबलगा बन के आगे से लड़ना शुरू हो गई कि अगर तुम्हें ज्यादा पता है तो तुम मेरी कुर्सी पे आ जाओ, तुम आके लोगों को समझाना शुरू कर दो, ऐसे है वैसे है। तो उस वक्त साथ मेरी जो बड़ी बहन, मैंने उनको बताया, मैंने कहा देख ले ये जो सवाल है कि कादियान का लफ्ज कुरान करीम में कहाँ इस्तेमाल हुआ है ये मैंने लिख के भेजा है, इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। तो मेरी बहन हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी क्या वाकई में ऐसा है। मैंने उसको बताया जी बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद मैंने उसको और भी सवाल पूछे, अपनी बहन से पूछे। मैंने कहा जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तो लड़कियां मुझसे सवाल करती हैं, उनमें से कुछ सवाल मैंने उनको बताया। मैंने उनको कहा मेरा गुलाम अहमद कादियानी इसने अपनी किताब में लिखा है हम मक्का में मरेंगे या मदीना में, और हालांकि मिर्जा साहब की जो वफात है वो तो लाहौर में हुई थी और उनको दफनाया कादियान में गया। तो मेरी बहन कहने लगी क्या वाकई लिखा हुआ। मैंने कहा हाँ लिखा हुआ। मैंने कहा फिर जो है इन्होंने अपना एक कशफ जो है उसमें लिखा हुआ है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ और मैंने यकीन कर लिया मैं वही हूँ। तो कहने लगी क्या वाकई मिर्जा साहब ने अपनी किताब में ऐसा लिखा है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा हाँ फला फला किताब में।
फलां फलां जगह पे लिखा हुआ है। तो वो बड़ी परेशान हुई। फिर इसके बाद जब मैं वापस गांव आई, मैंने घर अपने घर वालों से आकर इसका तज़किरा किया। रात को बैठे हुए थे, मेरे वाले साहब भी बैठे थे, मैंने अपने वाले साहब से भी तज़किरा किया। मैंने कहा अबू ऐसे ऐसे वहां पे जो भी हुआ मैंने उनको बताया, तो मेरे अबू पूछने लगे क्या वाकई लिखा हुआ है। इसके अलावा फिर मैंने उनको और भी हवालात दिए, जैसे कि मिर्जा साहब ने मुसलमानों को गालियां दी हैं, या मिर्जा साहब ने ये कहा है कि अल्लाह ताला ने मेरे घर पैदा होना है। तो ये बातें सारी सुन के मेरे अबू बहुत परेशान हो गए। उसके बाद जो था, मेरी अम्मी ने वो हमें इस मतलब टॉपिक पे बात करने से मना कर दिया। मेरे इस्लाम कबूल करने की वजह कुछ यूं बनी कि मैंने तलीम मुकम्मल करने के बाद एक स्कूल में जो है बतौर टीचर इंटरव्यू दिया और वहां मेरी सिलेक्शन हो गई। एक दिन हम ब्रेक के वक्त बैठे हुए थे तो अचानक मजहब के मजहबी गुफ्तगू जो थी वो शुरू हो गई। तो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कादियानियत के मौजू पे बात करना शुरू कर दी। तो चूंकि मैं कादियानी थी तो मैंने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैंने भी उनको बताया कि कादियानियत के मैं फजाइल और मराकब जो थे वो उन्हें बताना शुरू कर दिए, क्या कादियानियत ऐसे है वैसे है, यानी कि कादियानियत की एक बड़ी अच्छी तस्वीर मैंने उनको बताना शुरू कर दी। लेकिन वो जो थे प्रिंसिपल साहब उनको पता था कि कादियानियत कैसा कुफर है, कैसी गलाजत है, कैसी गंदगी है। तो उन्होंने कादियानियत की जो अकायद थे वो बताने शुरू कर दिए कि कादियानी जो है तो नऊज़बिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी खुद को खुदा कहता है, खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, तौबा नऊज़बिल्लाह कलमा की तोहीन करता है और मुसलमानों को गालियां देता है, अहले बैत धार की शान में गुस्ताखी करता है, सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है। जब ये तमाम बातें मैंने सुनी तो मैं इतना डर गई कि मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और मुझे बिल्कुल जो था वो चैन नहीं मिल रहा था कि कैसे एक शख्स जिसको हम नबी मानते हैं वो कैसे इतनी गुस्ताखियां कर सकता है, कैसे अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी कर सकता है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकता है। तो मैं घर आती हूँ तो मैं सो जाती हूँ और मैंने जब ख्वाब देखा तो मैं वो ख्वाब देख के बहुत डर जाती हूँ। ख्वाब कुछ इस तरह है कि मैं अपने घर के बाहर मौजूद हूँ, गर्मियों के दिन है, सख्त गर्मी है और मैं गली में अकेली मौजूद हूँ। मेरा सर भी नंगा है और मेरे पाँव भी नंगे हैं। तो मैं डर के मारे दौड़ना शुरू कर देती हूँ कि मुझे कोई मार ना दे। बहुत दौड़ती हूँ, बहुत दौड़ती हूँ, बहुत दौड़ती हूँ और फिर जब देखती हूँ अपने आप को एक कदम भी मेरा आगे नहीं बढ़ता। इस बात से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी दौड़ी, इतनी जो है हिम्मत की मैंने, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। उस वक्त मेरी आंख खुल जाती है और मैं देखती हूँ कि मेरा पूरा जिस्म जो है वो पसीने से शराबूर है और मुझे अपने आप से बहुत गंदी बदबू आती है। फिर इसके बाद ये ख्वाब जो है मुझे मुतवातर आया और जब भी आता मुझे ऐसे ही डरा जाता। इसके बाद चंद दिन बाद मैं स्कूल गई तो वो जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे वो मिर्ज़े कादियानी की किताबें लेके, रूहानी खजाइन की मुख्तलिफ जिल्दें लेके बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहने लगे कि जो जितनी बातें मैंने तुम्हें, यानी कि जितने कादियानियों के अकायद मैंने तुम्हें बताए हैं, अगर मैं तुम्हें इन किताबों से दिखा दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगी। मैंने उन्हें कहा जी मैं जरूर यकीन करूंगी। तो उन्होंने जो है किताबें खोली और जितनी बातें वो मुझे जो मैंने आपसे पहले बयान की उन्होंने मुझे मिर्ज़े कादियानी की किताबों में से दिखाई और वो किताबें मिर्ज़े कादियानी की लिखी हुई थी। रवा की जो है ज़ियाउल इस्लाम प्रेस वहां से शाया हुई थी। इसके बाद जो है मेरी मुलाकात जो मेरे दिमाग में शकुक व शुबहात थे या सवालात थे तो उनको दूर करने के लिए मेरी जो मुलाकात थी वो एक साबिक कादियानी जो कि अब मुसलमान हो चुके हैं और ख़त्म नबूवत के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, इरफान महमूद बर्क साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने जितने भी मेरे शकुक व शुबहात थे वो सारे दूर किए और कादियानियत की जो गलाजतें थी जो मुझ पर नहीं खुली थी वो खोल खोल कर मुझे बयान की। और उनकी जो किताब थी कादियानियत साइंस इस्लाम के कटहरे में उन्होंने मुझे वो पढ़ने के लिए दी। तो इसको पढ़ के जितने भी मेरे दिमाग में सवालात थे वो सारे के सारे वो खत्म हो गए। तो इसके बाद फिर मैंने मिर्ज़ा कादियानी पे और कादियानियत पे करोड़ों लानते भेजने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गई और कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद जब मैं घर गई मैंने अल्लाह ताला से जाके दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे कोई रास्ता बता कि मुझे कोई ऐसा निशान दिखा कि मुझे पता चल सके कि मैंने आज जो किया मैं सच पे हूँ, मैं हक पे हूँ। तो मैं जो है मैं सो गई।
तो मैंने वही ख्वाब जो मैं पहले देखती थी और मैं डर जाती थी, वही ख्वाब मुझे दोबारा आया कि मैं अपने घर के बाहर मौजूद हूँ, गर्मियों के दिन है, सख्त गर्मी है और मैं डर के मारे भागना शुरू कर देती। लेकिन इस दफा मामला जो था वो उल्ट हो गया कि जब मैं डर के मारे में भागना शुरू हुई तो भागते भागते है कि मैं पक्की सड़क पे पहुंच गई, तो मेरा सर जो पहले नंगा होता था उस पर एक सफेद चादर आ गई खुद ब खुद, और मैंने देखा कि मेरे सामने एक शख्स एहराम बांधे खड़ा है। जब मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो मैंने सब्ज गुंबद और मीनार को पाया, तो इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है और मुझे अपने आप से जो पहले जहां पहले पसीने की बदबू आती थी, अब मुझे अपने आप से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी।